टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी का उनकी पत्नी के साथ चल रहा विवाद अदालत तक पहुंच चुका है। आपको बता दें कि मंगलवार को पत्नी हसीन जहां ने शमी के खिलाफ अलीपुर कोर्ट में घरेलू हिंसा और शादी के बाद अन्य महिलाओं के साथ अवैध संबंध का मामला दायर किया है। हसीन का आरोप है कि शमी के खिलाफ जमानती और गैर जमानती धाराओं के तहत कई मामले दर्ज होने के बावजूद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मामले में शमी से गुजारा भत्ते की मांग भी की गई है। आपको बता दें कि कुछ महीने से शमी का उनकी पत्नी के साथ विवाद चल रहा है। हसीन जहां ने शमी पर एक नहीं बल्कि कई महिलाओं के साथ अवैध संबंध रखने का भी आरोप लगाया है। इससे पहले उन्होंने थाने में इसकी शिकायत दर्ज की थी। वहां से मामले को अपने हाथ में लेकर कोलकाता पुलिस ने इसकी जांच शुरू की थी। साथ ही हसीन ने इस मसले को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी मुलाकात की थी और उनसे भी पति के खिलाफ शिकायत करते हुए समस्या का जल्द से जल्द समाधान करने का आवेदन किया था। बीते महीने उन्होंने बीसीसीआई के कार्यकारी अध्यक्ष सीके खन्ना से भी इस मामले को देखने की अपील की थी, पर उन्होंने हसीन जहां से कहा था कि ये पारिवारिक मामला है और इसका समाधान वो पारिवारिक स्तर पर ही कर ले। अब हसीन ने मसले का हल निकालने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क की रिपोर्ट।